हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए रेगुलरली आपका बैकअप भी ले रहा हूँ और उसी तरह मोटिवेशन वीडियो भी बना रहा हूँ मैं। क्योंकि आज आप सभी ने सोशल स्टडीज का एग्जाम लिखा है और सेवेंथ और सिक्स वाले इंग्लिश का एग्जाम लिखा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका इंग्लिश और उसी तरह सोशल स्टडीज अच्छा लिखे होंगे। क्योंकि पेपर नॉर्मल सा था और उतना ज्यादा टफ नहीं था, जो आप लोग सोचेंगे कि हमने याद नहीं किया, ऐसा नहीं था। जनरल क्वेश्चंस थे, पहले ही मैं बतला दिया था कि सोशल स्टडीज में आपको ज्यादातर जनरली पढ़ना होगा और उसी तरह करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना होगा, पहले से मैं आपको बतला दिया था। अगर आप मेरे इस वीडियोस को अगर सीरियस लेकर आप थोड़ा वर्कआउट करते हैं तो आपके सारे एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। खैर, मैं क्या आपको गाइड कर सकता हूं, क्योंकि आप खुद अपने गाइड कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बस मुझको जो बन पाता है वही मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, उससे मुझको पता चल रहा है कि और अच्छा आप लोग मेरे वीडियोस को इंटरेस्ट से देख रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। अब नेक्स्ट कल की तैयारी कीजिए, और जो जो स्टूडेंट्स अपना एग्जाम अच्छा लिखे हैं कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट मैं बहुत सीरियसली पढ़ता हूं और आपके कमेंट मुझको अच्छे लगते हैं। और मुझे कमेंट के थ्रू ये भी पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स मेरे एग्जाम अच्छा लिखे हैं और कितने स्टूडेंट्स एग्जाम अच्छा नहीं लिखे हैं। क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि मैं आपको रेगुलरली गाइड कर रहा हूं, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। अगर आप फीडबैक देंगे, आप कमेंट करेंगे, और आपका फीडबैक ही मुझको मोटिवेट करेगा, और मैं समझता हूं कि आपने एग्जाम अच्छा लिखा होगा। और लास्ट मिनट स्ट्रेटजी मैंने अपलोड कर दिया था, आप सभी को मिल गया होगा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो टिक कराए हैं वो भी क्वेश्चंस आए। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर नहीं आए, और सीरियसली शायद आप नहीं देखे होंगे उन क्वेश्चंस को। और मैंने ये कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये पेपर नहीं आया, ये फेक पेपर। मैं कभी भी नहीं कहा ये पेपर आएगा, मैं ये पैटर्न पेपर है कहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स वही पढ़ के जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। डिस्ट्रिक्ट पेपर है वो, उसके अंदर से कुछ हद तक आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पेपर है, हम पैटर्न के लिए, सैंपल के लिए वो पेपर यूज करके हम चेक कर सकते हैं। अगर आप सैंपल देखेंगे तो आपको एज इट इज मिलेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस आपको चेंज मिलेंगे, टॉपिक्स आपको चेंज मिलेंगे। चलिए, मैं अब इसका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, अच्छा लिखे होंगे आप सभी, यही मैं उम्मीद करते हुए इस वीडियो को क्लोज करता हूं। अगर आप पहली बार है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत आप इंटरेस्ट से देख रहे हैं, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो मैं आपके लिए ट्रस्टवर्दी जरूर बनाऊंगा। और इसके बाद भी हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्स नहीं, एग्जाम्स के बाद भी हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आप भी, आपको भी पढ़ना है, कल की तैयारी करना है। ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करना, मेरा फीडबैक जरूर देना, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, या बोरिंग वीडियोस तो नहीं बना रहा मैं। अगर आपका कमेंट देखकर अगर बोरिंग है तो वीडियोस में स्टॉप करके एजुकेशन ही बनाऊंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं मोटिवेट, तो जरूर कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट।